प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से बिहार की सबसे हॉट सीट बेगूसराय पर एक बार फिर बीजेपी ने गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है और ऐसे में गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार भी दिख रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में तमाम चुनावी मुद्दों पर बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जीवेश तरुण ने, देखिए। हो गया ऐसे में बेगूसराय में फिर एक बार एनडीए ने लोकसभा से गिरिराज सिंह को चुना है, तो गिरिराज सिंह जी जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से चुनावी प्रचार यहाँ की जा रही है सर, किस तरह से यहाँ पे एक बार फिर एनडीए ने आप पर भरोसा रखा है, आपने चुनावी तैयारियाँ भी शुरू कर दी, तो क्या एजेंडा रहेगा? विकास विकास विकास, और बिहार की जनता और बेगूसराय की जनता को बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विकास 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 ही नारा है, लेकिन 2006 के पहले का भी बिहार देख लें, जंगल राज, जहाँ लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, आज का बिहार बदला हुआ बिहार। कभी इस बेगूसराय में एक पुल की स्थापना किए थे रामजीवन बाबू, तो जॉर्ज फर्नांडिस आए थे, अब तो केवल पुल पुल ही पुल है, सामो का पुल हो, गंगा का पुल हो, 200 मीटर का पुल हो, 100 मीटर का पुल हो, ये विकास 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 नीतीश और मोदी का है। एक बार फिर महागठबंधन ने सीपीआई को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, चेहरा अलग जरूर है, क्या लगता है कितने? देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो राष्ट्र विरोधी गैंग है, ये कभी बेगूसराय की जनता राष्ट्र विरोध को कभी सफल होने नहीं देगा, अब काट की हाड़ी नहीं चढ़ने वाला है। कई योजनाओं को आपने यहाँ लाकर रखा है, कुछ लोग इससे नाराज भी दिख रहे हैं, तो इस पर कैसे आप मेंटेन करेंगे? अगर विकास से कोई नाराज हैं तो उन्हें प्रणाम करूँगा कि आप नाराज मत होइए, विकास होने दीजिए, क्या बिल्कुल। ये केंद्र गिरिराज सिंह है, इन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है, एनडीए उम्मीदवार भी हैं, इनका साफ तौर पर दावा है कि कई तरह की योजनाओं का यहाँ इनके रीजन में लाया गया, और उसके बाद जो है सो लोग कुछ लोग अगर नाराज़ भी हैं तो उनसे ये सीधा तौर पर संदेश दिए हैं न्यूज़ नेशन के जरिए कि जो लोग नाराज हैं वो अपनी नाराजगी दूर करते हुए इनके पास आए, इनके साथ है, और देश के पीएम प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करें। साथ ही साथ इन्होंने जो इनके अपोजिट प्रत्याशी हैं अवधेश राय जो सीपीआई से हैं, उनको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि लाल झंडा सब दिन से काम बिगाड़ने का काम किया है, उनके रीजन में यहाँ जो कल कारखाने थे वो बंद पड़े थे, और अंत में जब मोदी की सरकार आई तो उनके इनके द्वारा उन तमाम चीज़ों को खोला गया है और वह सुचारू रूप से अब चल रहा है, और उसके बाद ये डोर टू डोर इस बार फिर एनडीए ने इन पर भरोसा करके जनता के बीच इनको भेजा है, और ये सीधे तौर पर जनता से अब अपने 5 साल का कार्यकाल का हिसाब अब जनता के बीच लेने के लिए निकल पड़े हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता मत किसे देकर सत्ता के सिंहासन पर सौंपती है। बेगूसराय से न्यूज़ नेशन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ जीवेश।